एक ऐसा एटम बम काम कैसे करता है? तो हिरोशिमा पर गिराए बम का डिजाइन काफी सिंपल था, जिसमें एक छोटे यूरेनियम के सिलेंडर को नॉर्मल बारूद की मदद से एक बड़े यूरेनियम के टुकड़े से लगभग 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराया गया, जिससे सुपर क्रिटिकल होकर उसमें एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ये बॉम्ब उतने एफिशिएंट नहीं थे और बॉम्ब में मौजूद लगभग 64 किलो यूरेनियम में से बस 1 किलो यूरेनियम का फिजन हुआ था। इसीलिए ओपेनहाइमर और बाकी साइंटिस्ट ने एक दूसरा डिजाइन भी तैयार किया था, जिसमें यूरेनियम की जगह एक दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, जिसके एक छोटे 6.5 किलो के गोले को चारों तरफ से नॉर्मल बारूद से घेर रखा था, जिसमें धमाके से पोलोनियम कॉम्प्रेस होता था और इसमें चेन रिएक्शन शुरू होता था। और इसी तरह के बम को आगे चल के नागासाकी पर गिराया गया था, जो हिरोशिमा वाले बम से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था। और ओपेनहाइमर पिक्चर में भी इसी टाइप के बम का टेस्ट दिखाया था। देख सकते हैं वैसे हम इसको।